हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सेवन स्टूडेंट साइंस लेसन नंबर 15, दैट इज मटेरियल वी यूज़। सो ऑलरेडी बना हुआ था इसका वीडियो, लेकिन ब्लर ज़्यादा था और थोड़ा मैंने दूर से इस तरीके से दिखाया था तो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। कमेंट्स बार बार आ रहे थे कि ये सारे चैप्टर्स वापस से बनाऊँ मैं, तो इसलिए मैं वापस से बना रही हूँ। ठीक है, तो देखिए जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर हैं ये। कौन सब्सटेंस पहले यूज़ किए जाते हैं फॉर क्लीनिंग टीथ, पहले मतलब क्या यूज़ किए जाते थे? तो देखो यहाँ पे दिया गया है, पुराने टाइम में अकेशिया बार्क यानी बबुल का जो छाल होता है वो, नीम की दातून जो होती है ट्विक्स, कोल पाउडर ये भी यूज़ करते थे, ऐश यानी राख जो चूल्हे में राख बसती थी ना, टूथ पाउडर, सॉल्ट, और सॉल्ट तो अभी भी यूज़ करते हैं लोग, सॉल्ट में राई का तेल मिला के, और पोमेग्रेनेट रिंज एंड पाउडर ऑफ शेल्स ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। ठीक है, अनार के जो छिलके होते हैं उसको सुखा के यूज़ करते थे। तो ये आंसर है, मैं यहाँ पे एकदम जूम इन करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसमें मैंने थोड़ा दूर से दिखाया था, जूम इन नहीं किया था अच्छे से, तो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, इसके लिए मैं वापस से यहाँ पे बना रही हूँ। व्हाट डू वी यूज़ टुडे टू क्लीन आवर टीथ, तो आज हमें पता है टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर यूज़ करते हैं टीथ के लिए। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द फ्लोराइड इन टूथपेस्ट और टूथ पाउडर, तो क्या इनकी क्या सोर्स होते हैं? सो देखो ये नेचुरली एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है, सो ये हर तरीके के वाटर सोर्सेस में होते हैं, टूथ पाउडर एंड टूथपेस्ट, द फ्लोराइड इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पे पहले अच्छे से देख लीजिए, मैं पूरा इसमें जूम इन करके दिखाऊंगी ताकि आपको एक एक वर्ड अच्छे समझ में आए। आई नो कि थोड़ा बहुत ब्लर है, बट अगर मैं पूरा जूम इन करके आपको शो करती हूँ क्वेश्चन आंसर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। व्हाट आर द मटेरियल्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, तो सैंड, लाइमस्टोन, सीमेंट, सॉइल, मड, ब्रिक्स एट्सेट्रा आर द मटीरियल्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, राइट। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ये जो क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स के दिख रहे हैं, ये सारे आंसर देखो नीचे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया, द सब्सटेंसेस दैट हेल्प्स वाटर टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड डिटर्जेंट, है ना, और डिटर्जेंट की स्पेलिंग यहाँ पे दिया है क्लियर। सेकेंड देखो यहाँ पे, फ्लोराइड इज यूज इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट टूथ डीके, यहाँ पे क्या आएगा, टूथ डीके, और आंसर देखो यहाँ पे एकदम क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है टूथ डीके की स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सोप इज अ सॉल्ट ऑफ, यहाँ पे देखो डैश एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है, अब उसका आंसर भी यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है ना, क्वेश्चन पूरा यहाँ पे है, उसका आंसर यहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ का आंसर देखो यहाँ पे हार्ड आएगा, और यहाँ पे भी अच्छे से क्लियरली दिख रहा है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है एज वेल। आपको एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको वीडियो 480 पे ही देखना है या फिर 360 रेजोल्यूशन पे देखना है। 480 पे देखोगे तो अच्छे से दिखेगा। अब ये देखो यहाँ पे आंसर जो दिया गया है, ये वाला पोर्टलैंड यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्लियर एकदम। चलिए देखते हैं दूसरा, ट्रू फॉल्स वाला देखते हैं अभी। मैनी ईयर्स अगो टूथपेस्ट वॉज मेड बाई मिक्सिंग द पाउडर ऑफ बोन्स एंड शेल्स, ये ऐसे ट्रू है। पहले के कैसे बनते थे, शेल्स होते थे, जो बोन्स होते थे ना उनको मिक्स करके बनाते थे, उसका चूरा बनाते थे, मिक्सचर रहता था, देख लो अच्छे से, ये ट्रू है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिटर्जेंट आर शॉर्ट, तो ये हमें पता है फॉल्स है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लॉन्ग होते हैं ना। वन इफेक्ट ऑफ सरफेस एक्टिविटी इज नो लेदर फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो नो है, तो अगर हम देखें तो अगर ये नो नहीं रहेगा तो ट्रू रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नो दिया हुआ है इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अबाउट 2000 ईयर्स अगो इन दोज डेज सोप वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग एनिमल फैट एंड वुड, ये वुड है, हाँ, WOOD, वुड,
सो वुड के ऐश से, मतलब कि जो डिटर्जेंट कैसे बनाए जाते थे, जो जानवर होते थे उनकी और जानवर के फैट से और लकड़ी के राख से बनाए जाते थे डिटर्जेंट। तो ये ट्रू है, ठीक है। और लास्ट वाला देखो, फॉल्स है। इन 1756 द रोमन्स डेवलप्ड द मेथड ऑफ मेकिंग। तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, हमें पता है रोमन ने ये नहीं किया था, ब्रिटिश इंजीनियर जॉन स्मिटन ने किया था, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा भी है किसने किया था, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, भाई क्या सिमिलैरिटीज़ है क्या डिफरेंसेस है दोनों में वो बताना है। नेचुरल डिटर्जेंट एंड मैनमेड डिटर्जेंट में सिमिलैरिटी, बोथ आर यूज फॉर क्लीनिंग दोनों, और डिफरेंसेस क्या है यहाँ पे देखो दिया है। पहले नेचुरल डिटर्जेंट का देख लेते हैं एकदम जूम इन करके। हो गया ये देख के, अभी हम देखेंगे सेकेंड वाला। ये क्लियर है आपको, 480 रेजोल्यूशन पे देखोगे। आपको नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से या किसी बड़े से पूछ लीजिए रेजोल्यूशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को दिखता है क्लियर है, लेकिन वो 144-240 पे देखते हैं तो उनको क्लियर नहीं दिखाई देता है। सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट में क्या सिमिलैरिटीज़ है देखो यहाँ पे, वो सिमिलैरिटीज़ हमने यहाँ पे देखा, बोथ आर यूज फॉर क्लीनिंग। तो अब यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है वो देख लो। डिफरेंसेस देखते हैं, बाथ सोप एंड सोप फॉर वॉशिंग क्लोथ्स में क्या सिमिलैरिटीज़ है। देखो दोनों ही सोप कंटेन फैटी एसिड्स एंड बोथ आर यूज फॉर क्लिनजिंग। ठीक है, ये आंसर हो गया लिख के। अब यहाँ पे देखेंगे बाथ सोप, पर्सनल क्लिनजिंग के क्लिनलीनेस के लिए यूज़ होता है, और ये सोप माइल्ड होता है। दिस इज़ अ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, और ये सोप फॉर वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए कैसे होते हैं देखो, तो यहाँ पे दिया गया हार्ड हार्ड सोप होता है, सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड से बना होता है। मॉडर्न सीमेंट एंड एंशियंट सीमेंट बोथ आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। सिमिलैरिटीज ये है, मतलब सिमिलैरिटी का मतलब एक जैसा काम तो ये है। अब मॉडर्न सीमेंट कैसा है, इससे बनता है सिलिका यानी सैंड से बनता है, एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनता है, लाइम आयन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड से बनता है। अब ये किससे बनता है एंशियंट सीमेंट पुराने टाइम में, देखो यहाँ पे दिया गया वॉल्केनिक ऐश एंड मॉइस्चर लाइम से बनता था, ये बहुत टाइम तक चलते भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डिटर्जेंट फ्रॉम डेलिकेट गारमेंट्स। देखो दिया गया सोप नट एंड सोप पॉड आर द बेस्ट डिटर्जेंट फॉर द डेलिकेट गारमेंट्स एज दे डू नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन डेलिकेट सिल्क एंड वुलन थ्रेड्स एंड क्लोथ, है ना। हाउ विल यू चेक विल द हेल्प ऑफ सोप पाउडर वेदर वाटर इज हार्ड। तो यहाँ पे देखो दिया गया है सोप क्या होगा, यहाँ पे फोम नहीं निकलेगा, हार्ड वाटर में झाग नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट्स होते हैं डिजॉल्व हुआ रहता है हार्ड वाटर में। दस बाय यूजिंग सोप पाउडर वी कैन अंडरस्टैंड इफ वाटर इज हार्ड, समझ में आ जाता है कि हार्ड वाटर है, झाग नहीं निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिख रहा है एकदम क्लियरली। अब नेक्स्ट देखते हैं, नाउ डेज वाई आर द रोड्स मेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, दीज डेज देयर इज अ वेरी हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड, देयरफॉर देयर इज नीड ऑफ स्ट्रांग रोड्स दैट कैन सपोर्ट स्पीडी ट्रांसपोर्ट, therefore nowadays roads are made of concrete। अब इसे पूरा ऐसे देख लो आंसर साथ में। वीडियो पॉज करके मैं आपको एक बार पूरा जूम इन करके भी दिखाती हूँ। वॉट कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर, देख सकते हो इसका आंसर, इफ द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम
सच एज बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स आर डिजॉल्व इन द वाटर, देन देयर इज हार्डनेस कॉज टू द वाटर। वीडियो पॉज करके देख सकते हो, आई नो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, बट अभी इतना मेहनत मैं आपके लिए करें तो आप भी थोड़ा सा मैनेज कीजिए। पूरा आंसर पहले ऐसे देख लीजिए, अब मैं जूम इन करके आपको आंसर बताती हूँ। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ टूथपेस्ट, क्या फंक्शन होते हैं इनके। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं टूथपेस्ट का कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, है ना। और ये सब्सटेंस रिमूव करते हैं क्या, द डर्ट, टीथ पे से जो डर्ट होता है गंदगी उसे निकालते हैं, रिमूव करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू पॉलिश द टीथ, टीथ को पॉलिश करने का भी काम करते हैं। फ्लोराइड जो ऐड होता है टूथपेस्ट में, ठीक है, फ्लोराइड भी ऐड होता है और ये प्रिवेंट करता है टूथ डिके, यानी दांत को सड़ने से बचाता है। फ्लोराइड मेक्स द इनेमल ऑफ द टीथ स्ट्रॉन्ग। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। हाउ डज द यूज ऑफ डिटर्जेंट हेल्प टू क्लीन सॉइल्ड क्लोथ्स, तो गंदे कपड़े को धोने में कैसे हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया गया, डिटर्जेंट आर यूज टू क्लीन द डर्ट एंड ऑयली स्टेन्स ऑन द क्लोथ्स। तो यहाँ से अभी देखते हैं जूम इन करके, ऑयली स्टेन्स ऑन द क्लोथ्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिटर्जेंट आर लॉन्ग इन देयर स्ट्रक्चर। इनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं स्ट्रक्चर में। दिस मॉलिक्यूल्स होल्ड्स ऑन टू अ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड एंड द ऑयल मॉलिक्यूल्स ऑन टू द अदर। ड्यू टू दिस द ऑयल मिक्सेस विद वाटर, इट कैन ईजिली कम आउट ऑफ क्लोथ अलॉन्ग विद डर्ट। द सॉइल्ड क्लोथ्स दस बिकम क्लीन ड्यू टू डिटर्जेंट, डिटर्जेंट से सारे क्लीन हो जाते हैं। सारे आंसर ऐसे देख लो, आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सरफेस एक्टिविटी। देखिए मैंने व्हाट इज मेंट बाय सरफेस एक्टिविटी, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ स्प्रेडिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एक्टिविटी। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है लेकिन जूम इन करके बता रहे हूँ, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा स्पेलिंग सारी, ठीक है। ये सब ई है, ये ई है, ए है, ये भी ई है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। सिर्फ यही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है। द केमिकल्स एडेड, ये यहाँ पे भी ई है, ये ए है। यही सारे वर्ड्स बार बार आए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, इन सब की स्पेलिंग क्या होगी, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, पी आर ओ डी यू सी टी एस, प्रोडक्ट्स, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे क्लियर है, सच एज कैरोसिन, फैट, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एल्कोहल एट्सेट्रा। ओके, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो आंसर। आई नो कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, इसलिए मैंने आपको एक एक लाइन दिखाया अच्छे से। पहले आप ये वाला लाइन लिख लीजिए ऊपर वाला, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ स्प्रेडिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एक्टिविटी। द सब्सटेंसेस शोइंग दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड सर्फेक्टेंट। द केमिकल्स एडेड टू डिटर्जेंट्स विच मेक देम सर्फेक्टेंट्स आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज कैरोसिन, फैट, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एल्कोहल एट्सेट्रा। इन्ग्रीडियंट्स क्या होते हैं सीमेंट के, तो यहाँ पर देखो हमने पहले भी पढ़ा है, सिंपल सीमेंट के होते हैं सिलिका यानी सैंड, एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन डिफरेंस वाले में, जो एंशियंट सीमेंट था और मॉडर्न सीमेंट में क्या डिफरेंस था उसमें।
ऐसे दिख रहा है आपको क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्या होगा अगर सीमेंट कंक्रीट में नहीं ऐड करेंगे तो, नहीं यूज़ करेंगे तो। देखो कंक्रीट प्रिपेयर किया जाता है बाय मिक्सिंग सीमेंट वाटर सैंड एंड ग्रेवल। इफ़ सीमेंट इज़ लैकिंग इन दिस मिक्सचर, अगर सीमेंट इसमें नहीं रहेगा तो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ये रिजिड नहीं हो पाएगा, सॉफ्ट ही रहेगा ना। सीमेंट इज़ यूज़फुल इन प्रिवेंटिंग लीकेज, लीकेज को प्रिवेंट करता है, रोकता है। स्ट्रॉन्ग एंड लीक प्रूफ स्लैब इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू हाई क्वालिटी सीमेंट, हाई क्वालिटी का सीमेंट रहेगा तो ही लीकेज वाला ये जो लीकेज का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। मिक्सड इन कॉन्क्रीट, इफ सीमेंट इज नॉट यूज वाइल मेकिंग कॉन्क्रीट देयर विल बी लीकेज, द स्लैब्स एंड पिलर्स विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग एंड द बिल्डिंग विल कोलैप्स, गिर जाएगा। आंसर दिख रहा है यहाँ पे आपको, क्लियर है ना। ऐसे भी करके देखे के लिखोगे तो भी सही है, जो मैंने जूम इन करके बताया वो भी सही है। बस ये याद रखना कि 360 या 480 पे रेजोल्यूशन करके आपको देखना है। ये देखो इसका आंसर तुमने पहले भी देख लिया था, सोप हार्ड वाटर में यूज़ नहीं होता, ठीक है। ओके तो ये हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं पहले आपको एक बार पूरा आंसर ऐसे दिखा रही हूँ साथ में पूरा, और उसके बाद फिर जूम इन कर रही हूँ। आपको जैसे कंफर्टेबल हो, सुटेबल हो, आप वैसे ही लिखिए। ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता, ठीक है। ये ऑयल एंड वाटर बिकम होमोजेनस इफ़ अ सफिशेंट क्वान्टिटी ऑफ डिटर्जेंट इज एडेड। वही चीज़ जब डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो सॉल्युबल हो जाता है, वो भी निकल जाता है ऑयल कैसे। तो डिटर्जेंट में क्या होता है, लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है विथ टू एंड्स, ठीक है। एक वन एंड में ये क्या करता है, ऑयल मॉलिक्यूल को होल्ड करता है और दूसरे में वाटर को, ठीक है। और ये मिक्सचर, इससे क्या होता है, दिस मेक्स अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, इनको क्या करता है, मिक्स करता है। और यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है। किसके एडिशन से, डिटर्जेंट के। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर सुपीरियर टू सोप, तो यहाँ पे देखो दिया गया है सुपीरियर होता है सोप से, वो हार्ड वाटर में भी यूज हो सकता है। इसलिए देर आर मेनी एक्टिविटीज सच एज जर्मिसाइड्स, एल्कोहल, एंटी फोमिंग एजेंट्स, मॉइस्चराइजर्स, फाइन सैंड एट्सेट्रा मिक्सड विथ डिफरेंट डिटर्जेंट्स। दीज सपोर्टिव सब्सटेंसेज मेक सिंथेटिक डिटर्जेंट्स मोर यूजफुल दैन अ सोप एंड दस दे आर सुपीरियर टू सोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफन कलर्ड स्पॉट्स आर फॉर्म्ड ऑन क्लोथ्स ड्यूरिंग वॉशिंग, तो यहाँ पे देख दिया गया है। समटाइम्स इम्प्योरिटीज़ इन द सोप कैन फॉर्म द, कभी कभी गंदा साबुन ही रहता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती है तो धब्बे आ जाते हैं कपड़े पे, कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। सम स्पॉट्स लाइक दोज ऑफ टर्मेरिक बिकम रेड अपॉन द एक्शन ऑफ सोप, तो जो हल्दी रहती है, हल्दी को क्या होता है कि उसमें जब हम साबुन लगाते हैं तो रेड हो जाता है ना, नोटिस किया होगा। सो दस कलर स्पॉट्स आर सीन ड्यूरिंग वॉशिंग, धोने के टाइम पे दिखाता है। टबैको माशरी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ,
तो बहुत नुकसान करता है। जो वो रहता है ना, बोलते हैं गुल रहता है, और जो वो क्या करते हैं, तंबाकू को पीस के बनाते हैं, उसको जला के पीस के कुछ तो ऐसे करते हैं। ये हार्मफुल होता है, इसका एडिक्शन हो जाता है और इससे कैंसर होने की प्रॉब्लम होती है। मार्शी मेड अप ऑफ टबैको कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन टीथ एंड गम्स, देयरफॉर टबैको मार्शरी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ। सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, लास्ट का ओपन क्वेश्चन है यहाँ पे, जिससे मैं आंसर तो नहीं है, और ये सारे आंसर आपको मिल सकता है। ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, व्हाट इज़ मेंट बाय नेचुरल एंड मैनमेड मटेरियल्स। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, जो मटेरियल्स हमें नेचर से मिलता है वो नेचुरल मटेरियल्स है, ठीक है, और जो मैन इंसान बनाता है प्रोसेस करके, वो नेचुरल सब्सटेंस को प्रोसेस करके, तो वो क्या होता है, वो मैनमेड होता है। क्लियर है आंसर, एकदम क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स साथ अपने शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो इस तरीके से ब्लर रहे या फिर बना ना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके लिए वीडियोस बन जाएंगे, ठीक है। आगे के भी चैप्टर्स मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लर है, तो मैं उसके भी बना दूँगी, नो इश्यू। देख लीजिए यहाँ पे सारे आंसर्स ऐसे भी क्लियर ही है, मैं बहुत जूम इन नहीं करूँगी तब भी चलेगा ही। बट मैंने फिर भी यहाँ पे आपको जूम इन करके बता दिया है, ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी तो उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे आंसर्स क्लियर हैं ऑलरेडी, मैंने आपको जूम इन करके बहुत अच्छे से दिखाया था। ओके okay.